महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इन दिनों काफी सुर्खियों में है। राज के बदले अंदाज को काफी लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे राज ठाकरे और मनसे के कार्यकर्ताओं का हौसला काफी बुलंद है और महाराष्ट्र में MNS का ऑपरेशन घुसपैठिए भगाओ परवान चढ़ रहा है। ऐसे में MNS के कार्यकर्ता संदिग्ध व्यक्तियों की जांच अपने स्टाइल में कर रहे हैं। पहले मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस के हवाले किया और फिर बीते दिनों पुणे में घुसपैठियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके साथ ही मनसे कार्यकर्ता लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। इस दौरान पुणे पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सोमवार देर रात को FIR दर्ज की है। कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसे अवैध बांग्लादेशी बताकर परेशान किया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने उससे भारतीय होने के दस्तावेज मांगे और इसके बाद पकड़कर थाने भी ले गए। बता दें कि मनसे कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी हाईकमान के आदेश के बाद उन्होंने छापेमारी करने का फैसला किया है। ऐसे में देखना होगा कि मनसे कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR के बाद भी वे छापेमारी करते हैं या नहीं, लेकिन ऑपरेशन घुसपैठिए को लेकर मनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। मनसे कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि ऐसे कई घुसपैठिए हैं जो नकली ID कार्ड बनवाकर रह रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस मसले पर मनसे काफी एक्टिव है, लेकिन शिवसेना खामोश है, जबकि ये मुद्दा शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने उठाया था और अब जब उद्धव ठाकरे CM हैं, तो वे इस मुद्दे पर बोलना भी जरूरी नहीं समझते। ऐसे में लोग अब राज ठाकरे में बाला साहेब की झलक देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।